रहीम जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ सब वधिया होवोगे जी। अज मैं लैके आया बहुत वधिया जी रैसपी। अज आपां बनावांगे जी आलू के पराठे बड़े आसान जे तरीके नाल। वीडियो तुसीं पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो चंगी लगे तो मेरी वीडियो लाइक जरूर करना, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं आप अज की रैसपी बहुत ही जी आसान जे तरीके नाल, सबनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रैसपी। जी आलू का पराठा बनाने वास्ते जी मैं आलू ले ने अद्धा किलो आलू ले ने जी। इन्हों मैं बॉयल कर लिया तो नाल सानू चाहिए जी प्याज, इदा मैं चुप करके रख लिया जी। नाल सानू हरिया मिर्चा चाहिए, दो हरिया मिर्चा लिया, इन्हों मैं बरीक कट लिया। नाल जी सानू चाहिए है हरा धनिया। तो शुरू करते हैं अपने अज की रैसपी। आलूओं असी सब तो पहले जी छिल लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू जोड़े ने जी असी सारे छिल लेने ने। आलूआं जी असी छिले तो इन्हों सारा जी एक बोल दे पा लवेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इन्हों जी असी मैश कर लेना है। इन्हों चंगी तरह असी मैश कर लवेंगे जी, ये लम्स ना रहन। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तक ये नाल जी असी कांटे दे नाल, अगर तुहाडे कोल मैश करने वाला हैगा है तो वह तुसी उहदे नाल कर लो, तो वरना इहदे नाल तुसी आराम नाल कर सकते हैं। रहमान रहीम जी आलूआं नूं वधिया जिहा असीं मैश कर लिया है। तो इहदे विच हुण जी असीं अपने मसाले जिहड़े आ ना उह शामिल करांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले जी प्याज शामिल कर देंगे, चॉप किया होया बरीक बरीक तुसीं चॉप कर लेना। नाल जी शामिल कर देंगे जी असीं हरियां मिर्चां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाल शामिल कर देंगे जी असीं हरा धनिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इहनां नूं जी असीं मिक्स कर लाँगे सारे नूं, हाथ नाल ही तुसीं कर लो। जी असी इन्हों सारे मिक्स कर लिया। हूँ असी मसाले जोड़े शामिल करने, मैं तुम विखा जी किड़े किड़े मैं मसाले ले। नमक लिया जी, मैं कुटी लाल मिर्च ली आ, नाल जीरा लिया है जी, नाल जी धनिया पाउडर लिया, हल्दी ली है जी, मैं नाल ली है जी मैं काली मिर्च। इन्हों सारे जी असी शामिल कर देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिक्स कर लाँगे असी ना। बड़े वधिया जी जी ये बनते हैं आलू के पराठे, तो बड़े जी आसान है तरीके, तो नवे तरीके मैं बनावगी तो बड़ा वधिया जी, तो आसान जो बिल्कुल तरीका बिल्कुल जो नवे बनाने वाले ना आलू का पराठा, तो उन्होंने वास्ते बड़ी आसानी के नाल बन जाऊगा, तो बड़ी आसान उन्होंने वास्ते होगा। आलू का पराठा बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही वधिया आसान जो बन जाता है, तो सबनों बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वधिया जी असी आलू तैयार कर लिया, सारा मसाला विच शामिल करके हुण शुरू करते हैं जी आप आलू के पराठे बनाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहमान रहीम जी पराठे बनाने वास्ते सब तो पहले जी मैं पेड़े कर लेने, चार पेड़े कर लिया असी, तो इस तरीके जी तुम इसे साइज़ के कर लेने। अगर तुम बड़े बनाना चाहते तो ये व्डे बना लो। तो हूँ जी शुरू करते हैं आप। रहमान रहीम जी पेड़ा जोड़ा ना असी लैके तो इदा रोटी बेल लैनी है, तो इदा चकले बेलने के नाल जी असी रोटी जी ना यदि बना लैनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इदा जी असी सारी रोटी बेल लवेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। रोटी असी सारी बेल लिया, हूँ जी ये उपर असी लगाना है आलू जोड़ा असी मसाला बना के रखे आलू का, इदा जी असी ला देना है। बिल्कुल नवे तरीके जी मैं आलू का पराठा तैयार कर लगी हाँ, तो बड़ा आसान जो तरीका है यदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सारा जो मसाला है ना उन्होंने असं वधिया रहना तरीके सारा ला लेना है वो उपर, तो वधिया च ला के असी एक साइड तो इस तरह रोटी चुकनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरीके जी रोटी चुक के तो बिल्कुल ये उपर इदा ही रख देनी है, इदा असी सारे पासों जोड़ा है ना सारे साइडों तो जोड़ देवे, ताकि जोड़े आलू का मसाला जोड़ा असं बनाया वो बिचों निकले ना रोटी पकाते वक्त। इदा जी सारे तरीके जी असी सारे साइडों तो जोड़ देवे। माशाल्लाह जी सारा पराठा जोड़ा ना वह पकन वास्ते तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहमान रहीम जी असी एक तवा ला लेना, ये उपर इदा जी घ्यो ला लेना पहलों, ताकि पराठा जोड़ा ना नीचों जले ना, इदा ला के तो ये उपर जी असी पराठे को पा देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इदा जी पा देवे असी, तो इनू एक साइड तो पहलों पका लवेंगे दो मिनट वास्ते। रहमान रहीम जी दो मिनट पका के तो असी जी साइड जी वो चेंज कर देनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी बहुत ही वधिया जिहड़ा ना साडा आलू का पराठा तैयार हो गया है, तो इधर वाली साइड से असी घ्यो ला देवे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹਦੇ ਜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਲੰਚ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋਫਟ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਜੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।